भी कॉलोनी के लोग हैं वे अधिकारियों की मनमानी से प्रभावित है और जेडीए और यूडीएच उसमें सर्वोपरि है। साथ में हमारे जो जनप्रति निष्क्रिय हैं उनसे भी ज़्यादा प्रभावित है। सरकार ने 2015 का रूल लागू कर रखा है हाई टेंशन के लिए, 2020 में रूल में बदलाव हुआ है। अब वो 2020 उनको पता ही नहीं था, हमने जब कागज़ पेश किए तो उनके होश उड़ गए थे, लेकिन अब उनकी मनमानी क्या है, 2020 हम रूल लागू नहीं होने देंगे कैसे ही करके। अब उस रूल को लागू करते हैं तो कम से कम 20,000 से ज्यादा परिवारों को पट्टे मिलते हैं। साथ ही साथ 12 साल से मात्र सरकार ने, हाई कोर्ट ने 3 महीने की रोक लगाई बिजली कनेक्शन के लिए, 12 साल से रुकी हुई है। सरकार के प्रतिनिधि को मतलब ही नहीं है कि सब पब्लिक बिना बिजली के रह रही है, लेकिन वो आराम से अपने एसी के रूम में अधिकारी बैठे रहते हैं और अपनी मनमानी डिक्टेट कराते हैं, क्योंकि उनमें जो दम्भ है, मतलब जो अभिमान है कि हम अधिकारी हैं, वो ऐसा दिखाते हैं, और आम पब्लिक को तो ऐसे दिखाते हैं कि तुम पता नहीं कौन हो। तो ये आम और खास में जो परिवर्तन है, जो बंटवारा करती है ये विभाग, चाहे वो यूडीएच हो चाहे वो जेडीए हो, इनको ये इस आम पब्लिक के लिए बनाया गया है, कोई खास पब्लिक के लिए नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में न्यूज़ आई, इसी इलाके में जहाँ भी पट्टे नहीं दे रहे थे वहाँ एकल पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। आप लोगों को पट्टे नहीं दे रहे हैं और आप एकल पट्टे जारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं खास लोगों के लिए, तो ये आम जनता कहाँ जाएगी, विरोध पे ही उतरेगी। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, ये जो पूरे राजस्थान में अपील कर रहा हूँ मैं, जो 2020 का जो आदेश आया है वो हाई टेंशन वाला, वो पूरे राजस्थान में लागू हो रहा है। आप सिर्फ पृथ्वीराज नगर का ना सोचे, पूरे राजस्थान में लोग जहां जहां इस हाई टेंशन से प्रभावित हैं वे सड़कों पर आए और सरकार का विरोध करें कि 2020 लागू करें जिससे लोगों को पट्टे मिल सकें।